जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आ गए भाई, ससुराल वाले आ गए हैं। ये काम में के हो गया भाई। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात समझिए। खूब खेला है सरवन जी, गांव वालों के सामने इस उपजाऊ जमीन को बंजर दिखा दिया और एक ऐसा अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गांव में कि यहां कोई ना आ सके। थैंक गॉड दाइमा थी आज, वरना श्रेया के साथ भी। नीरजा की जमीन जहां पर एक हॉस्पिटल बन सकता था, उसे आपने शमशान घाट बना दिया। और इससे भी घिनौनी बात, दाइमा ने जब लड़की मारने से मना कर दिया तो उसे डायन बना दिया। और ये मोबाइल हॉस्पिटल, अरे विज्ञान का सही फायदा तो आप उठा रहे हैं सरपंच जी। जन्म तक रुकने की जरूरत ही नहीं है, उसे पहले ही खत्म कर दो। अरे तुमने क्या बेरा साहब, तू तो भगोड़ा सा भगोड़ा। यो हमेशा से होता आया सा, हो रहा सा, होता रहेगा। यहां कुछ नहीं बदला, बंजर सोच, बंजर गांव, बंजर ही रहेगा। सॉरी, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। चल वापस चल। हाय इमरान, आई नो तुम्हें बहुत दिनों के बाद चिट्ठी लिख रही हूँ। मैंने कहा था ना, मेरी हॉलिडे इस बार कंप्लीटली एडवेंचरस होने वाली है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बोरिंग से वाटरलेस गांव में इतना मजेदार हॉलिडे हो सकता है। ये मेरी लाइफ का सबसे एडवेंचरस और खतरनाक हॉलिडे था। मैंने वहाँ नए दोस्त बनाए और अपने डरपोक भाई सैम को भी ब्रेव बनाया। बट द सैड थिंग, उस गांव में कोई भी लड़कियों को पसंद नहीं करता। मेरे अलावा एक भी लड़की नहीं थी उस गांव में। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़कियों को हेट करते हैं इमरान। मैं सोच रही थी, देव अगर गांव छोड़कर नहीं आते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। तुम्हें पता है, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही वहाँ मार देते हैं। How cruel! अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है क्या? खैर, अब तो सब ठीक हो जाएगा। हमने शबरी दी के बच्चे को भी बचा लिया। और पता है क्या, देव मुझे स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवा रहे हैं। आफ्टर ऑल मैं उनकी मरमेड जो हूँ। चलो आई गॉट टू गो, जल्दी रिप्लाई करना। तुम्हारी सबसे एडवेंचरस फ्रेंड श्रेया।